हे भगवान, ये बाज यहाँ क्यों भटक रहा है? कहीं कोई अपशकुन तो नहीं होने वाला? सितारा पीछे हटो। सम्राट, इन सबको पीछे लेके जाइए। विराज, सब पीछे चलिए। हाँ बड़ी माँ। सितारा माँ, are you okay? भाई साहब, बहुत खतरनाक पक्षी था। हमारे भाई साहब को कहां उड़ा रहे? कोई पूरी शक्ति की गहरी नजर लग गई है हमारे परिवार को, तभी तो पूजा में इतना बड़ा अपशकुन हो गया। और भाई साहब, आप सब अपने कमरे में जाइए। तो ये खेल खेला है माँ ने अपनी बहन को बचाने के लिए। Thank you.
है महाराज? बोलो, अगर उन्हें एक खरोच भी आए ना तो मैं आपका वो हशर करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें सितारा, हर बार हमें कमजोर समझने की कोशिश मत करो। तुम बिल्कुल भूलो मत, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो हमारे पास भी तजुर्बा है। जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं उसे पूरा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। चुनौती देने की कोशिश भी मत करना, वरना आज तक सिर्फ रोका है पर अब बर्बाद कर दूंगी तुम सबको। मुझे धमकी दे रही है तू? जा, जो करना है कर ले सितारा, पूरी आजादी है, जा जो करना है कर ले, मैं यही हूं। देखते हैं अंत में किसकी जीत होती है। जा। हलबेली, आज बड़ी खास रात है मेरे लिए, सजने में मेरी मदद नहीं करोगी? कौस दीदी, करूंगी मदद। आप मुझे छल नहीं पाओगे, मैं महाराज को ढूंढ कर रहूंगी, बस एक बार वो वापस आ जाए फिर एक पल के लिए तुम लोगों को यहां रहने नहीं दूंगी मैं। अच्छा चलो देखते हैं। माँ, are you fine? माँ, विराज, महाराज का कुछ पता चला? नहीं माँ, but I promise that जल्दी घर वापस आएंगे माँ। पता नहीं कहाँ होंगे, इस हाल में होंगे। विराज, कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, महाराज को वापस लाइए। महाराज को कुछ भी हो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप रोएंगे नहीं, आप रोएंगे नहीं माँ, मैं कुछ करता हूँ। हेलो कमिश्नर, कैट का कुछ पता चला? नहीं कुंवर साहब, हमारी कोशिश जारी है। दरअसल ये बहुत ही अजीब केस है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उन्हें ढूंढना। कमिश्नर मैं कुछ नहीं जानता, आपको जो करना है करिए, लेकिन डैड को वापस लेकर आइए प्लीज। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, जोर से संभालिए अपने आप को। ये कौर साहब, कौर साहब रुक जाइए। कौर साहब, कौर साहब, कौर साहब शांत हो जाइए। कौन? कौर साहब ये
कुंवर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करूं मैं? वो बाज मेरे सामने मेरे सामने डैड को ले गया, वहां अंदर बीमार में मैं कुछ नहीं कर पाया। I'm so helpless। कुंवर साहब शांत हो जाइए। डैड, मुझे कुंवर साहब को अपनी विषकन्या होने की सच्चाई बतानी ही होगी, क्योंकि जब तक मैं इन्हें दोबारा सच नहीं बताऊंगी, उन विषकन्याओं का सच मैं बाहर नहीं ला सकती, और मेरे बिना बताए इन्हें कुछ याद नहीं आएगा। कुंवर साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है।